हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौसानी ट्रिप एपिसोड 2 में। तो अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं एपिसोड 1 और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शाम का लगभग 4 बजने वाला है और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बस कौसानी पहुँचने ही वाले हैं। तो हमारे पास थोड़ा टाइम होगा होटल बुकिंग्स और थोड़ा कौसानी घूमने के लिए। तो सारा दिन मौसम काफ़ी क्लियर रहा है हम लोगों के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर पाए हैं हम लोग। थोड़ा टाइम हम लोगों ने सोमेश्वर में स्पेंड किया और उसके बाद हम लोग निकले कौसानी के लिए। और कौसानी काफ़ी अच्छी जगह लग रही है, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है ये। सोमेश्वर घाटी में है और फिर उसके बाद लगभग 11-12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है जो सीधे लेकर के आती है कौसानी। और कौसानी एक ऐसा हिल स्टेशन है जो पहाड़ों पर ही बसा हुआ है, काफ़ी हाइट में है। इसके एक तरफ सोमेश्वर है और दूसरी तरफ गरुड़ बागेश्वर है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने एंटर ही किया हुआ है। कौसानी में एंटर होते ही हम लोग अभी रुके हैं इस लोकेशन पे। यहाँ से सोमेश्वर का व्यू काफ़ी क्लियर दिख रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा देख लेते हैं ये वाला साइड व्यू। और ये सामने एक होटल दिख रहा है हम लोगों को और ये है कौसानी की मार्केट। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है ये, काफ़ी छोटी मार्केट है, बट ज़रूरत का लगभग सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल है। और रोड के दोनों साइड आप लोग देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानें हैं और कुछ रेजिडेंशियल रूम्स दिख रहे हैं रोड के दोनों तरफ। और ये है कौसानी का मेन चौराहा। यहाँ से जो राइट साइड में रोड जा रही है ये जाती है गरुड़ बागेश्वर की तरफ, और यहाँ से लेफ्ट वाली जो रोड जा रही है आई गेस ये जाती है अनाशक्ति आश्रम की तरफ। अनाशक्ति आश्रम वाले रूट पे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये है कौसानी का व्यू, काफ़ी क्लियर दिखता है यहाँ से कौसानी। और आप देख सकते हैं सामने कौसानी की मार्केट है। कौसानी से लगभग 5 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस के बाद ही पड़ता है ये अनाशक्ति आश्रम, जहाँ पर हम अभी पहुँचे हैं। अभी टाइम है लगभग 5 बज रहा है और ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी आए थे जब वो कौसानी की विजिट पे थे। अब ये जगह एक तरह से म्यूजियम में कन्वर्ट हो गई है और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड चीज़ों का कलेक्शन है, स्पेशली उनके अलग अलग तरह के फ़ोटोग्राफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब भी आप आएँ तो एक बार ज़रूर विज़िट करिए ये वाली जगह, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी गांधी जी के लाइफ से रिलेटेड। और ये वाली जो लोकेशन है सिर्फ गांधी जी के म्यूजियम की वजह से ही पॉपुलर नहीं है, यहाँ से हिमालयन व्यू काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और सुंदर दिखाई पड़ता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर लोकेटेड है ये वाली जगह। और सामने आप देख पा रहे हैं व्यू पॉइंट, और ये है व्यू पॉइंट से व्यू हिमालय की पीक्स का। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है सामने हिमालयन पीक्स की, जितनी भी यहाँ से पीक्स विजिबल होती हैं। आज थोड़े बादल लगे हुए हैं तो पीक्स क्लियरली विजिबल नहीं है, बट आई होप कि कल सुबह हम लोग देख पाएंगे सारी की सारी हिमालयन पीक्स को। हेलो दोस्तों, तो आज है 29 दिसंबर, सुबह का लगभग 10 बज रहा है और ये है व्यू कौसानी से हिमालयन पीक्स का। तो आज है हमारी ट्रिप का सेकेंड डे और आज हम कवर करने वाले हैं कौसानी के आसपास जितने भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं वो सारे के सारे टूरिस्ट प्लेसेज। सुबह का लगभग 11 बज रहा है और अभी हम लोग निकले हैं रुद्रधारी वाटरफॉल को देखने के लिए। तो कौसानी से लगभग 12 या 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है रुद्रधारी वाटरफॉल। और सोमेश्वर की तरफ आने वाली रोड में अगर आप आगे आते हैं तो 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद ही आपको एक कट मिलता है। तो राइट साइड की तरफ अगर आप कट लेंगे तो आप चल पड़ेंगे रुद्रधारी वाटरफॉल वाली रोड पे। और जहाँ पर आप कट लेते हैं वहीं पर आपको काफ़ी सारे गाइड्स मिल जाएंगे
जो आपको रुद्रधारी वाटरफॉल के दर्शन करवा देंगे इजीली, और लगभग 400 से 500 की उन लोग की डिमांड रहती है। तो आप थोड़ा बार्गेनिंग ट्राई कर सकते हैं, बट लोकल के लोग हैं और उनकी रोजी रोटी इसी बात पे चलती है, तो बेटर है कि आप कोई गाइड कर लें। और रास्ता थोड़ा सा पैदल भी है, तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है गाइड के साथ सफ़र करना। अदरवाइज आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और थोड़ा सा आपके मन में रहता है कि कहाँ जाना है, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है। और आप ये देख सकते हैं, कुछ शॉट्स हैं जो आसपास के गांव हैं उनके, काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह है ये। बस रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, और अगर सही बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं, रोड कच्ची है बीच में। तो बेटर है कि अगर आप SUV प्रेफर कर पाएँ ओवर हैचबैक्स और सेडान्स, तो कोशिश कीजिए कि आप SUV लेकर ही आएँ इस रोड पे, क्योंकि थोड़ा कच्चा रास्ता है ये। तो लगभग 11-12 किलोमीटर का हमारा रास्ता है, और आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ काफ़ी सारे गांव बसे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया है ये, गांव भी काफ़ी बड़े हैं, और यहाँ के लोगों का जो मेन काम है वो खेती ही है। और ये एक ब्रिज है, यहाँ से आई थिंक जस्ट 2 या 3 किलोमीटर बाकी होना चाहिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रुद्रधारी वाटरफॉल ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और एक या दो छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर। यहाँ तक आप लोग कार से आ सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, और आप देख सकते हैं कि रास्ते की क्या कंडीशन है। तो रास्ते की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा आदत नहीं है ऐसे रास्तों पर चलने की, तो बेटर है कि आप लोग बहुत ध्यान से चलें। जैसा हम लोगों का अभी एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे साथ गाइड नहीं होता तो हम लोग भटक चुके होते इस रास्ते पे, क्योंकि पूरा का पूरा जंगल का रास्ता है। और बीच में कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको चूज करना पड़ता है इधर लेफ्ट और राइट। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है गाइड हमारे साथ में होने से। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रुद्रधारी वाटरफॉल, और आप देख सकते हैं छोटी सी हट है यहाँ पर, और ये सामने नीचे है रुद्रधारी महादेव मंदिर, और उसके साथ में ही लगा हुआ है रुद्रधारी वाटरफॉल। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन है ये, बहुत ज़्यादा पैदल रास्ता नहीं है, सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर का रास्ता है पैदल। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि ऋषि कौशिक ने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर तपस्या की थी, और उसके बाद ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और अगर आप इस मंदिर को देखें तो ये एक गुफा के ऊपर बनाया गया मंदिर है। तो अंदर इसकी एक गुफा है, उस जहाँ पर अलग अलग तरह के देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और बाहर ये मंदिर बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं रुद्रधारी वाटरफॉल, जिसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं है, पर बरसात में ये पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और बरसात में ये वाली ट्रैक बंद हो जाती है। और ये है मंदिर जो गुफा के अंदर बसा हुआ है। तो फाइनली हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस मंदिर को विजिट करने का। और अगर आप लोग कौसानी आए हुए हैं तो एक बार ज़रूर आइए रुद्रधारी वाटरफॉल और मंदिर को देखने के लिए। इससे आगे की वीडियो हम कवर करेंगे हमारे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।